आपके साथ प्राची पाराशर, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात उत्तर प्रदेश के महासंग्राम की, क्योंकि पहले चरण का रण खत्म हो चुका है, वहीं अब राजनीति के योद्धा दूसरे चरण के रण में जुट गए हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह और क्या सीएम योगी, सभी दूसरे द्वार का भेदने में लगे हुए हैं। उधर अखिलेश यादव भी अपना विजय रथ लेकर निकल पड़े। पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। हमारे एक हाथ में विकास की छड़ी है, दूसरे हाथ में माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का लीवर है। पहले फेज में सपा और बसपा का टुकड़ा साफ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी फाइट 22 में किसका होगा भोकाल टाइम। भारत माता की कासगंज में गरजे पीएम मोदी, बदायूं में योगी, लखनऊ में किसकी विजय होगी। जो गोर परिवारवादी लोग हैं उनको भी पता चल गई है कि नैया डूब चुकी है। इंद्र वाले मित्र को भी हमारे बुलडोजर ने ढूंढ निकाला। बुलडोजर चलता तो अच्छा लगता है। शाहजहांपुर में शाह की हुंकार, बरेली से विरोधियों पर वार। आए हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर लड़ते थे, अब साइकिल लेकर आए हैं, उनको वापिस भेजोगे या नहीं भेजोगे। रामपुर के रण में साइकिल का तूफानी ट्रेलर, साइकिल का पैडल इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो। अखिलेश और अब्दुल्ला ने दिखाई बिग पिक्चर। इन पे मुकदमे भेज के इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर है। दूसरे चरण का सियासी शुक्रवार, राजनीति के योद्धाओं का वार पलटवार। कुरुक्षेत्र के मैदान से महारथियों का महासंग्राम। २०१७ में भाजपा ने 325 सीटें जीती थी और इस बार भी 300 पार का नारा दिया है, जिसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी जहां कासगंज में तीसरे चरण की लड़ाई को धार दे रहे थे, तो वहीं सीएम योगी बरेली की सड़कों पर धुआंधार प्रचार कर रहे थे, तो बदायूं और शाहजहांपुर में अमित शाह अपने विरोधियों को ललकार रहे थे। जुबान पर काका हाथ रस्सी की पंक्तियां, निशाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया। पीएम मोदी ने कासगंज की धरती से चुनावी हुंकार भरते हुए दूसरे चरण से पहले तीसरे चरण का श्री गणेश कर दिया है। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद के मोर्चे पर ऐसा निशाना साधा कि पूरी जनसभा में परिवारवाद बनाम विकासवाद का एजेंडा सेट कर दिया। परिवारवादियों से कहना चाहता हूं कि भाई आपका डूबना तय है, अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। मोदी और योगी जी को जो आशीर्वाद और प्यार आप दे रहे हैं उसने परिवारवादियों की नींद उड़ा दी है। 53 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री कासगंज पहुंचा। पीएम मोदी से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1969 में कासगंज आई थी। यही वजह थी कि पीएम मोदी का पूरा जोर विकास और अपने विरोधियों पर निशाना साधने पर रहा। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, कहीं विकास कराए हो, किसको विकास कहते हैं? उन्होंने कहा हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कहां विकास कराया? उन्होंने कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, आपने सड़क बना दिया, आपने बिजली दे दी। मैंने कहा ये तो हमने किया क्योंकि हमारी जवाबदेही थी, लेकिन तुमने क्या विकास कराया है? उन्होंने कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा कौन सा विकास कराया है? उन्होंने कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री कैसे बनाई थी। जहाँ पीएम मोदी तीसरे चरण के लिए फील्ड सेट कर रहे थे, वहीं भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह बरेली और शाहजहांपुर में दूसरे चरण की लड़ाई को धार दे रहे थे। इन दोनों जिलों में 15 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें 2017 में भाजपा जीती थी, और ये रफ्तार धीमी ना पड़े इसके लिए अमित शाह एक एक सीट पर अपनी रणनीति बना रहे हैं और माफिया और दंगों का जिक्र कर सपा की सरकार की याद दिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दूरबीन लेकर भी माफिया दिखाई पड़ता है क्या? जरा जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? अगर गलती से भी इस साइकिल वालों की सरकार आ गई तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलने का काम करेंगे भाई, मूंग दलने का। दूसरे चरण की लड़ाई एकदम टाइट है। जिन 9 जिलों में वोट डाले जाने हैं वहाँ कई सीटें मुस्लिम बहुल हैं। यही वजह है कि भाजपा हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रही, और ये बात बदायूं में भी नजर आई, जहाँ सीएम योगी ने साफ कर दिया कि सरकार बनेगी तो फिर से बुलडोजर चलेगी। भारत माता की, हमारे एक हाथ में विकास की छड़ी है, दूसरे हाथ में माफिया और अपराधियों के लिए बुलडोजर का लीवर है, और दोनों जब एक साथ चलते हैं तो विकास होता है और समाज को नुकसान बनाने वाले तत्व अपने आप ही उसके नीचे पिसते हुए चले जाते हैं। यूपी फतेह करने के लिए भाजपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतर आए हैं। न सिर्फ दूसरे बल्कि तीसरे चरण की लड़ाई के लिए अभी से हुंकार भरी जा रही, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या भाजपा के ये महारथी यूपी में फिर से भाजपा का कमल खिला पाएंगे? क्या 3 दशकों से चली आ रही प्रथा इस बार बदल जाएगी? और क्या मुख्यमंत्री योगी पुराने सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? ये वो सवाल है जिनका जिक्र करना जरूरी है, और उससे पहले यूपी की सियासत को समझना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में जाति इतनी रची बसी है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो भी इसे साधेगा वही बनेगा यूपी का चक्रवर्ती सम्राट। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश यादव के उस लक्ष्मण रेखा की, जिसे खींचकर अखिलेश यादव ने रामपुर में किलेबंदी कर दी। अखिलेश की नजर इस बार दूसरे चरण में रामपुर की 5 सीटों पर है। ये आसम खान का वो किला है जो 2017 की लहर में भी नहीं हिला, लेकिन इस बार भाजपा अपना दल के सहारे आजम खान के बेटे को चुनौती दे रही है। लेकिन रामपुर की बिग पिक्चर क्या कहती है, देखिए रिपोर्ट। रामपुर का रण अखिलेश ने लिया जीत का प्रण। फरवरी को ही परिणाम दिखा दिया है कि आने वाले समय में सपा का सबसे मजबूत किला जो 2017 में भी नहीं हिला, और जो रिश्ता समाजवादी पार्टी से नेताजी का रही आजम खान साहब का रहा है, वो ऐसा रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है। दूसरे चरण का अग्निपथ, रामपुर की गलियों में दौड़ा सपा का विजय रथ।
उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में अगर किसी जिले की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो रामपुर है, जिसे न जीत पाने की कसक आज भी भाजपा के दिल में है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का वो मजबूत किला है जो भाजपा की मजबूत लहर में भी नहीं हिला। शुक्रवार को जब अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर रामपुर की गलियों में निकले तो पूरा रामपुर लाल रंग से पट गया। अखिलेश यादव के साथ आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे और जितने लोग सड़क पर थे उससे ज्यादा घरों की छतों पर, जो अखिलेश यादव पर फूल बरसा रहे थे। ना फूल कम पड़ रहे थे ना लोगों का जोश। परिणाम 10 मार्च को आएगा, रिजल्ट 10 मार्च को आना है, लेकिन पहले चरण के चुनाव ने 10 फरवरी को ही परिणाम दिखा दिया है कि आने वाले समय में वहां के किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खरीदी। इस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती का जिक्र भी किया और ये संदेश दिया कि पीढ़ी भले बदल गई हो लेकिन दोस्ती आज भी कायम है। और कभी रामपुर में ऐसा नहीं लगा कि हमारे घर के लोग नहीं है यहाँ, ये सब अपने लोग हैं। और जो रिश्ता समाजवादी पार्टी से नेताजी का रहे आजम खान साहब का रहा है वो ऐसा रिश्ता है जो टूटने वाला नहीं है। और जो रिश्ता विरासत में मिला है वही रिश्ता हमारा और अब्दुल्ला जी का रहेगा हमेशा। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों को बदले की कार्रवाई बताते हुए लखीमपुर हिंसा का भी जिक्र किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। चिकनी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे न जाने कितने मुकदमे हैं, इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। गौरतलब है कि रामपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में सपा ने यहां की 3 सीटें जीती थी जबकि 2 सीटें भाजपा के हिस्से गई थी, लेकिन इस बार सपा रामपुर की सभी 5 सीटों पर जीत का दम भर रही है। रामपुर की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां की 2 सीटों पर 2 पीढ़ियों की लड़ाई है। रामपुर शहर सीट पर सपा से आजम खान चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं रामपुर की स्वार सीट पर इन दोनों के बेटों के बीच जंग है, जहां सपा से अब्दुल्ला आजम ताल ठोक रहे हैं तो भाजपा की सहयोगी अपना दल एस से हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां चुनावी मैदान में हैं। रामपुर की इस लड़ाई को कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ का सियासी मीटर एकदम हाई है। राजनीति के जानकारों की नजर रामपुर पर है जो 2019 के लोकसभा चुनाव की भी याद दिला रहा, जब सपा की तरफ से आजम खान मैदान में थे तो भाजपा ने जया प्रदा पर दांव चला था। हालांकि भाजपा की एकजुटता और तीखे प्रहार आजम खान का किला नहीं हिला पाए और आजम खान ने साबित कर दिया कि रामपुर में उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 साल से आजम खान जेल में है, उन पर सैकड़ों की तादाद में धाराएं लगी हैं। ऐसे में आजम खान की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है जिसे पास करने की जिम्मेदारी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के कंधों पर है जो खुद जेल से छूट कर आए हैं। रामपुर से रवि दुबे, एबीपी गंगा। और अब बात दूसरे दौर के टेस्ट की, पश्चिम में कौन बेस्ट की, क्योंकि पहले चरण के बाद सबकी नजर दूसरे चरण पर टिकी हुई है जहां 9 जिलों की 55 सीट पर वोट डाले जाएंगे। यहां पिछली बार भाजपा ने 70% सीटों पर अपना कमल खिलाया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद हवा थोड़ी बदली हुई है। वहीं मुस्लिम वोटर की भूमिका इस बार अहम है क्योंकि जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका।
चरण की लड़ाई महारथियों ने ताकत दिखाई। दूसरे दौर का टेस्ट पश्चिम में कौन बेस्ट, मुस्लिम वोटर राजी, कौन जीतेगा दूसरे चरण की बाजी। पहले चरण के खत्म होते ही दूसरे चरण की लड़ाई शुरू हो गई है। 9 जिलों की 55 सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 14 फरवरी को 9 जिलों में वोट डाले जाएंगे। उनमें सहारनपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहानपुर और बदायूं है, जहां राजनीतिक दलों के बड़े बड़े महारथी डेरा डाले हुए हैं। दूसरे चरण की लड़ाई पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी है क्योंकि पिछली बार यहां 38 सीटों पर भाजपा, 15 सीटों पर सपा और 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जबकि बसपा का खाता भी नहीं खुला था। मतलब 70% सीटें भाजपा ने जीती और एक बड़ा मार्जिन लेकर लखनऊ का रास्ता तय किया। लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। किसान आंदोलन के बाद जाटलैंड में खासी नाराजगी है, तो मुस्लिम वोट इस बार निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि दूसरे चरण में कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी गेम चेंजर साबित हो सकती है। जैसे रामपुर में मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, मुरादाबाद में ये संख्या 47% के करीब है, तो बिजनौर में 43% मुस्लिम है, वहीं अमरोहा में 40%, तो बरेली में मुस्लिमों की संख्या 35% के आसपास है। मतलब दूसरे चरण में मुस्लिम वोट न सिर्फ निर्णायक है बल्कि हार जीत का फैसला करने में सक्षम है, जिसे साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरा ख्याल रखा है। जैसे मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने सभी 6 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मुस्लिम वोट जीत की गारंटी है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने सहारनपुर की देवबंद सीट को जीत लिया था और सारे मिथक को तोड़ दिया था। लेकिन क्या ये 2022 के चुनाव में भी होगा या फिर मुसलमान गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि जो जातिगत समीकरण को ठीक से बिठाएगा वही दूसरे चरण का टेस्ट पास करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। की घटना की जिसने यूपी की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। एक दलित लड़की का पहले अपहरण होता है, फिर हत्या होती है और फिर खबर आती है उसके साथ रेप भी हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 2 महीने तक परिजन पुलिस के चक्कर लगाते रहे लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती, और जब मृतक की लाश बरामद होती है तो हड़कंप मच जाता है। देखिए, जब उसकी माँ उसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, तो मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? उनका असली चाल, चरित्र और चेहरा समाजवादी पार्टी का उजागर करती है। न वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है, न समाजवादी पार्टी के संगठन में है। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। उन्नाव एक बार फिर चर्चा में है। दलित लड़की के अपहरण और हत्या को लेकर सूबे की राजनीति उबाल मार रही है। जहां इस मामले में भाजपा और बसपा सपा को घेर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाकर प्रशासन ने मृतक का अंतिम संस्कार करा दिया है। शासन चूंकि इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, पल पल की जानकारी ले रहा है। जब युवती के परिवारजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं आ जाएंगे, जब उन्होंने ये मांग की, उसके बाद डीएम और एसपी यहाँ पर पहुँचे हैं, मौके पर उनको समझाया है, उनकी जो मांगें थीं उस पर सहमति जताते हुए लिखित आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि मृतक के परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थे।